हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 सब्ट्रैक्शन। ओके, चैप्टर 6 में आप पेज नंबर 485 ओपन कीजिए। डेट मेंशन कीजिए, आज डेट कितनी है बच्चों? 21 जुलाई। ओके, सभी बच्चों का वर्क प्रॉपर होना चाहिए, डेट भी मेंशन होनी चाहिए। आज है 21 जुलाई, ठीक है। और हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग बैकवर्ड काउंटिंग। तो सभी बच्चे तैयार हैं? वेरी गुड। बैकवर्ड काउंटिंग के लिए आपको बैकवर्ड काउंटिंग लर्न होनी चाहिए, जो कि हमने इस चैप्टर से पहले लर्न कर चुके हैं, ठीक है। जैसे बैकवर्ड काउंटिंग 10 से 1, तो फ्रॉम 10 to 1 कैसे आप लर्न करते? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, ये होती है बैकवर्ड काउंटिंग। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है बच्चों। जैसे यहाँ पर आपको 36 बॉल्स हैं, कितनी बॉल्स हैं? 36, और इसमें क्रॉस आउट कितनी करनी है? 5 बॉल्स। ओके, तो 36 बॉल्स हैं और इसमें आपको क्रॉस करना है 5 बॉल्स, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, आप स्टार्ट कीजिए बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 36। ओके, और आप काउंट इन योर फिंगर, आप अपने फिंगर में ही काउंट कीजिएगा बच्चों। अब आपने 36 से स्टार्ट किया तो कितना आया? 35, 34, 33, 32, 31। आपकी जो फिफ्थ फिंगर में आपने काउंटिंग नंबर क्या लिखा है? 31। ओके, यानी इट मीन्स 36 - 5 = 31। ओके, आपने कैसे स्टार्ट किया? फ्रॉम 36। तो जब 36 से आपने स्टार्ट किया, 35, 34, 33, 32, 31। अब यहीं पर आपको क्या करना है? दिए गए यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स है, इनमें फिल करना है 76 - 5। ओके, 76, आप ये समझ लीजिए 76 यानी योर माइंड एंड काउंट। आपको यहाँ पर क्रॉस करना है 5 फिंगर्स। ओके, 5 क्रॉस करना है, तो इसके लिए आपको 5 फिंगर्स लेनी है। और अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग रीड करनी है फ्रॉम 76। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? जब 76 - 5, तो अब हम काउंटिंग करते हैं 76 से। बैकवर्ड काउंटिंग शुरू करें बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 75, 74, 73, 72, 71। ओके, तो कितना आ गया यहाँ पे? 71। 76 - 5 = 71। है इजी? वेरी। इसी प्रकार से 85 - 4। अब आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है फ्रॉम 85। ओके, और इसमें फिंगर्स आपको कितनी लेनी है? 4। 4 फिंगर्स आपको क्रॉस आउट करनी है। चलिए काउंट करते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 85। 84, 83, 82, 81। कितना आंसर आया बच्चों? 81। 90 - 8, 90 - 8। Now once again start backward counting from 90. Take your 8 fingers. आप अपनी 8 fingers लीजिए। अब इनमें आपको काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे? बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 90, ठीक है। तो 90 से पहले क्या था? 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82।
आपने अपनी एट फिंगर्स लिए हैं, दोनों हैंड्स लेने होंगे, ओके। अच्छा, तो आपने देखा कि लास्ट में जो नंबर आया वो कौन सा है, 82, ओके। अब इसी प्रकार से 37 - 7 है, ये आप अपने आप आंसर लिख करके सेंड करेंगे। तो बच्चों कोई भी वर्क आपको करना है, ठीक है, मैथ्स का या एनी सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है। तो अब आप जल्द से जल्द अपने वर्क कंप्लीट कीजिए, सेंड कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।